हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जोया कुकिंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लाए हैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी जो आपको बहुत ही आपके लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और ये रेसिपी खास हम आप लोग के लिए लाए हैं, तो आप ये रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक तावा ले लेंगे। आपके पास जो भी तावा हो आप वही तावा ले सकते हैं। और तावे पर 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। आप तेल की जगह पे कोई भी बटर भी ले सकते हैं या आप कोई भी तेल ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने मनपसंद से यहाँ पे कोई तेल या बटर ले सकते हैं। तो पहले हम एक कटे हुए छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को डालेंगे और प्याज को आधा से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, यानी कि इन्हें लाल कर दें। इन्हें सिर्फ आधा या 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। और फिर इसके बाद इसमें हम 3 से 4 कटे हुए आलू छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे। और आलू डालने के बाद इन्हें 2 मिनट तक भून लेंगे प्याज के साथ। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 2 से 3 कटे हुए हरे मिर्च और 1 बड़े कटे हुए टमाटर। अगर हरे मिर्च आपको नहीं पसंद हो तो आप यहाँ से हरे मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर कटे हुए। फिर यहाँ पे डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च। आपको मसाले ना डालना हो तो आप मसाले को स्किप कर देंगे। और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इन्हें अच्छी तरह से फैलाने के बाद ढककर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट के बाद इन्हें अलट पलट कर देंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से गल जाए। और फिर यहाँ पर डालेंगे कटे हुए हरे धनिया। हरे धनिया डालने से ये ब्रेकफास्ट बहुत दिखने में अच्छे लगेंगे। और फिर इन्हें हरे धनिया डालने के बाद इन्हें 2 मिनट के लिए ढककर फिर पकाएंगे। तो लगभग अब हमारी ये सब्जियाँ हो चुकी हैं। ये बिल्कुल तेल छोड़ती हैं और सब्जियां भी गल चुकी हैं। तो फिर हम इन्हें गोल गोलाकार में फैला लेंगे और यहाँ पे 2 अंडे को फोड़ लेंगे। दो अंडे को फोड़ने के बाद चारों तरफ से इन्हें फैला देंगे जितना में तवा हो, ज़्यादा पतला भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। और फिर हम 3 से 4 अंडे फोड़ेंगे यहाँ पे।
और पीली वाली परत को थोड़ा सा नीचे में सटा देंगे ताकि ये सारे सब्जियों को अच्छी तरह से पकड़े रहे और ये ब्रेकफास्ट को कट करने में दिक्कत ना करे और ये आराम से ब्रेकफास्ट कटिंग हो जाए। और ऊपर से हरे धनिया डाल लेंगे। अगर आपको तीखा पसंद हो तो ऊपर से हरी मिर्च भी कटे हुए डाल देंगे। और यहाँ पे हम काला नमक ले रहे हैं चुटकी भर, हल्का हल्का, ज़्यादा मत डाल लीजिए नहीं तो ये नाश्ता खट्टा लगने लगेगा। बस हल्का हल्का चटपटा करने के लिए। और इन्हें ढककर आधे मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, सिर्फ आधे मिनट के लिए। और फिर इन्हें आप अपने मनपसंद के आकार में कट कर लेंगे। ये बहुत ही आसानी से कट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये लीजिए, ये मेरा हेल्थी सा ब्रेकफास्ट रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और ये इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये रेसिपी को आप ठंड में विंटर के टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये लीजिए, मैं इन्हें सर्व भी कर दी, तो आप लोग इन्हें ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिए इस रेसिपी को। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टंटना।